बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। इसमें आज हम आपको हैंड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका बता रहे हैं कि आप किस तरीके से मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हैंड सैनिटाइज़र घर पर और बहुत ही कम प्राइस में रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो अज़ा चाहिए होंगे, पहले आपको इसके लिए एक खाली बॉटल चाहिए होगी, या आप किसी भी हैंड वॉश की खाली बॉटल ले सकते हैं। उसको आपने धो लेना है और अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है कि उसमें पानी ना रह जाए। तो और इसके अलावा हमें चाहिए होगा जेल। जेल आप दो किस्म के यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप एलोवेरा जेल जो बाज़ार से मिलता है फेस पर लगाने के लिए, इसमें आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है। तो इसका एक और सोल्यूशन ये है कि आप अल्ट्रासाउंड जेल होता है वो मार्केट से काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है। ये हमने इस वक्त अल्ट्रासाउंड जेल ही लिया हुआ है, और इसके अलावा इसमें जाएगा सिपरेट जाएगी, ये भी आपको मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये दोनों चीज़ें इसमें डालेंगे। इसमें बस आपने ये करना है कि रेशो का थोड़ा सा ख्याल करना है। आपने रेशो ये रखनी है, आपने 75% जेल डालना है और 25% ये सिपरेट इसमें ऐड करनी है। ये आप देख चुके हैं कि तकरीबन हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा बॉटल जो है वो हमने इसमें जेल की ऐड कर ली है। तो अब हम इसमें ये सिपरेट ऐड कर देते हैं। ये थोड़ी सी कम रह गई है, हम इसमें और डाल लेते हैं। इसको बॉटल को हम फुल कर लेते हैं। ये अब बिल्कुल फुल हो गई है। इसको हम ऐसे अब बंद करेंगे और इसको हमने ऐसे करके शेक करना है कि ये अच्छे तरीके से जेल के अंदर मिक्स हो जाए सिपरेट। ये हैंड सैनिटाइज़र हमारा रेडी हो चुका है मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। तो इसको हम आपको देखें यूज़ करके दिखाते हैं। बिल्कुल जेल की फॉर्म में है, इसको आप लगाएं और ये देखें एक दो मिनट में ही हार्ड ड्राई हो जाएंगे। तो इसको आप चाहें तो ऑफिस में भी किसी छोटी बॉटल में भर के अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी आप दे सकते हैं। इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं है, आई थिंक ये 150 में या 100 के करीब बिल्कुल ईजिली ये रेडी हो गया। तो आप इसको जब चाहें जैसे मर्जी घर में यूज़ करें। इसके साथ ही हम अपने सेगमेंट की तरफ, सुनहरे फूल की तरफ चलते हैं, जिसमें एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत है कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे चंद बातें बता दीजिए कि जिनसे मैं नफ़ा उठाऊं और ज़्यादा बातें ना हों कि मैं भूल जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू गुस्सा मत किया कर। अपने हम इस सेगमेंट का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा हैंड सैनिटाइज़र बनाने का तरीका पसंद आया होगा। इससे आप जो है इजीली घर पर हैंड सैनिटाइज़र रेडी कर सकते हैं। इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।